नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मन्नत गार्डन एंड लाइफस्टाइल में। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये स्वीट पोटैटो वाइन की पर्पल वाली वेराइटी है और इसको मैंने एक पुराने से वेस्ट डब्बे में लगाया हुआ था जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और अब मैं इसको इस से निकाल कर अब मैं इसको एक ये जो साथ में रखा हुआ जो पॉट है इसमें मैं इसको लगाऊंगी। हालांकि बांधा भी मैंने इसको इसमें भी इसी एक पाइप के ज़रिए मैंने इसको बांधा हुआ था, लेकिन अब इसकी ब्रांचेस काफ़ी खाली खाली सी हैं और प्लांट जो था वो धूप में रखा हुआ था जिसके कारण इसकी जो लीव्स थी वो फेडेड सी हो गई हुई थी और जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा इसको यहाँ से कट करके निकाल के तो मैं इसको इस पॉट में इसको लगा दूँगी एज इट इज़। और कोशिश मैं यही करूँगी कि इस प्लांट को रूट्स के साथ ही इसकी ब्रांचेस को लगाऊं ताकि ये जो प्लांट है बिल्कुल स्ट्रेस में ना जाए और जल्दी ही ग्रो हो जाए, क्योंकि बारिशें तो हो रही हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गर्मी में प्लांट जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में भी चले जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसकी सारी जितनी भी ब्रांचेस थी सिर्फ आगे आगे लीव्स थी, बाकी ब्रांचेस इसकी बिल्कुल खाली खाली सी थी जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो अब मैं इस पॉट में लगाऊंगी इसको और मैं इससे गुड़ाई भी कर लेती हूँ और ब्रांचेस लगाने के लिए इसकी जगह भी बना देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने रूट्स के साथ ही इसकी ब्रांचेस को लिया हुआ है और अब मैं इसको इस पॉट के साइड साइड में मैं इसको लगा दूँगी, क्योंकि सेंटर में मैं इसमें पाइप लगा दूँगी जिसके सहारे मैं इस बेल को जो है उस पाइप के साथ इसको बांध दूँगी। फ्रेंड्स, स्वीट पोटैटो वाइन की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, इसमें एक ग्रीन वाली वेराइटीज़ भी होती है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। और समर इसका ग्रोइंग पीरियड होता है और विंटर में इसकी ग्रोथ जो है बिल्कुल स्लो हो जाती है और जैसे ही हमारा स्प्रिंग आता है ये फिर से हरा भरा हो जाता है और इसको धूप थोड़ी सी कम चाहिए होती है, यानी मॉर्निंग की अगर आप इसकी इसको धूप दे देते हैं और बाकी टाइम ये प्लांट शेड में रहे तो बहुत अच्छे से ये प्लांट है इसकी ग्रोथ चलती रहेगी और लीव्स के जो कलर हैं वो भी बड़े अच्छे और प्लांट हेल्दी भी दिखेगा। लेकिन अगर आप इसको आफ्टरनून की धूप में रख देते हैं उस कंडीशन में इस प्लांट की जो ग्रोथ तो बहुत अच्छे से चलेगी, लेकिन या तो ये इसकी लीव्स जो हैं वो बर्न हो जाएंगी या फिर ये जो प्लांट है इसकी लीव्स जो हैं वो फेडेड हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में आप थोड़ी सी इसको धूप दीजिए, बाकी टाइम इसको शेड में रख दीजिए और गर्मियाँ हैं तो इसकी मिट्टी जो है वो थोड़ी सी मॉइस्ट ज़रूर रखें और वैसे तो दोनों टाइम पानी लग जाता है। तो अब ये आप देख ही सकते हैं कि मैंने इसकी जितनी भी जो ब्रांचेस थी मैंने सारी साइड साइड एरिया में मैं सारी इसको लगा दिया हुआ, बिल्कुल अच्छे से मैंने इसकी मिट्टी को दबा दिया हुआ ताकि एयर पॉकेट्स जो हैं वो बिल्कुल भी ना रहें और एक्स्ट्रा जो ब्रांचेस हैं वेस्ट ब्रांचेस वो मैं कट कर देती हूँ और बस इसी तरह से ये मिट्टी भी मैंने इसको दबा दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं ये जो पाइप है ये बिल्कुल मैं इसके पॉट के बिल्कुल सेंटर में जाके इसको फिक्स करूँगी और अच्छे से इस पाइप को मैं फ़िक्स करूँगी ताकि ये बिल्कुल भी हिले डुले ना, ताकि थोड़ी सी भी हवा चलने में ये बिल्कुल ना हिले। और एक एक्स्ट्रा ब्रांच रह गई थी तो उसको भी मैं इस मिट्टी में डाल देती हूँ और डालने के बाद फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे करके जितने भी जो भी जो प्लांट्स हैं वो सारे मैं इस पाइप के सहारे एक रस्सी के सहारे आप इसको बांध सकते हैं और बस ये जो प्लांट है ये सारे मेरे लग चुके हुए हैं। और अब मैं इसी तरह से अब एक्स्ट्रा जो मिट्टी है वो मैं ऊपर से और ज़रूर इसमें डाल दूंगी ताकि मेरे प्लांट्स भी पैक हो जाएं और जो पाइप है वो मजबूती से लग जाए और कोशिश करें इस मिट्टी को दबाते भी चले जाएं ताकि एयर पॉकेट्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और हमारे प्लांट भी लग जाएँ और हमारी पाइप जो है वो भी सेटल हो जाए। और फ्रेंड्स, वैसे तो ये मैंने जो जितने भी सारी ब्रांचेस थी सारी रूट्स के साथ ही मैंने लगाई हुई थी, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में इस प्लांट जब ये आप अपना वर्क पूरा कर लें तो आप इस पॉट को थोड़ी सी शेडी एरिया में रखें ताकि आपके जो प्लांट है वो सेटल हो जाएँ। और क्योंकि शौक में मुझे लग रहा है कि ये शायद चले जाएँ, क्योंकि बड़ी ज़्यादा अगर गर्मी और सर्दी में हम कोई पौधा ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे पॉट में तो उसका लाजिम है कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस में ज़रूर जा सकता है। तो मैं इन ब्रांचेस को एक इसी पाइप के सहारे किसी जूट की रस्सी के साथ में इस ब्रांच को सारी ब्रांचेस को मैं इस तरह से बांधती जाऊंगी। तो मैं बांधने के बाद मैं आप सब फ्रेंड्स से मिलती हूँ, तो इतनी देर में आप फ्रेंड्स आप म्यूज़िक इंजॉय करें।
ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जितनी भी जो भी मैंने ये प्लांट था सारा इस पाइप के सहारे इसकी वाइन को मैंने बांध दिया हुआ है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अब ये जो वेस्ट थोड़ी छोटी छोटी कटिंग्स बची हुई हैं, तो हम इसको एज इट इज़ ही छोटी छोटी इसकी कटिंग बना के इसके जो पॉट के थोड़ा थोड़ा सा एरिया जो है वो बच गया है, तो अब मैं उसको भी इसी पॉट में मैं लगा दूंगी, ताकि ये हमारा जो प्लांट है ये सारा इसकी जो सरफेस है, जो एंटायर सरफेस है पॉट की, वो भी इस ये जो है ये कवर कर ले। और जब ये प्लांट सेटल हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बहुत ही ये खूबसूरत लगने वाला है। तो बस इसी तरह से आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। छोटी छोटी इसकी कटिंग्स आप लीजिए, कहीं भी आप इसको ग्रो करिए, नीचे की लीव जितनी भी है आप उनको हटाते जाएं, छोटी छोटी सी कटिंग बनाते जाएं, और एज इट इज़ ही आप इसको सॉइल में लगाते जाएं। किसी भी मौसम में लगाइए फ्रेंड्स, आप घबराइए मत कि बड़ी ज़्यादा गर्मी है या कुछ भी सर्दी है, तो ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। छोटी छोटी सी कटिंग बनाते जाएँ और एज इट इज़ ही लगाते जाएँ, और बहुत ही ये प्लांट जो फ्रेंड्स खूबसूरत लगने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और भी करना चाहूँगी कि इसकी छोटी छोटी कटिंग्स तो ग्रो होती होती हैं, लेकिन ये आप यकीन माने ये सिंगल लीव से भी ये ग्रो हो जाता है। अगर आप नॉड एरिया से एक सिंगल लीव भी लेकर अगर आप एज इट इज़ इसमें सॉइल में डालेंगे, तो ये बड़ा इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ही ये खूबसूरत लगता है। आप इसको कॉम्बिनेशन में भी अगर आप इसको लगाएंगे, तब भी ये जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और अब ये देखिए, मैंने बहुत सारी जो कटिंग्स हैं वो सारी मैंने पॉट को कवर कर दिया हुआ है, सारी कटिंग्स को लगा दिया हुआ है, और बस इसी तरह से मैंने सारा जो प्लांट है ये लगाया है। और आप यकीन माने ये मेरा बहुत ही पेंडिंग वर्क था, जो मैं बड़े टाइम से सोच रही थी कर, और फाइनली आज मेरा ये जो वर्क है वो फिनिश हुआ। और ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है फ्रेंड्स। और आप भी इसी तरह से अपने इस प्लांट को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फाइनली हम इस प्लांट को वाटरिंग भी करेंगे, और आशा करती हूँ आपको ये आज का ये शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।